दो ट्रॉली जो दो दिन से बारिश पड़ रही है, तो कितनी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत दिक्कत आ रही है जी धानों में। नमी आ गई। तो जिस रेट पे आप बेचते हैं, किस रेट पे बेचते हैं आप? अब 3000 तक बिक रहा है जी। अब पता तो अब कितने लगाएंगे, अब डाला तो बड़ा कर रहे हैं। नमी आ गई है इसलिए। क्या कह रहे हैं लाला? लाला तो ये कह रहे हैं भैया नमी आ गई है। नमी आ गई है धान। इस टाइम धान की जो आवक आ रही है वो 15 मौकी हो रही है जी। ये बासमती होती है, नॉन बासमती चावल होता है। इस बार ज़्यादातर किसान जो इसको मौसम को देखने के कारण जो काफ़ी हद से जो बता रहे थे फोरकास्टिंग हो जाती है पहले से, इसमें किसान जो है अपना ये बाई मशीन से मतलब ज़्यादा कम्बाइन से ज़्यादा कटा लेते हैं जी। इसमें अब दिक्कत ये आती है कि जो माल अब तक गीला हो जाता है काफ़ी, गीले माल की लेवाली कम होती है क्योंकि गीला माल ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता है। मिल वाले भी इसको परचेज नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। एक हमारी मंडी में क्या है कि मतलब शेड भी थोड़े कम पड़ जाते हैं, जब आवक ज़्यादा आती है तो शेड में तो माल सुरक्षित मतलब पूर्ण रूप से ठीक रहता है, बारिश में भीगता नहीं है, परंतु उतना माल शेड में नहीं आ पाता जितना माल आता है। बाकी माल जो ट्रैक्टर में भरा रहता है उसमें नुकसान होता है, और कुछ जो शेड में जो ओपन में आता है उसमें नुकसान आता है। नुकसान तो फिर देखो जी, एक तो जो उसकी लैंड है उसमें काफ़ी ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है किसान। और जो सुनने में आ रहा है बताते हैं किसान के हमारे में 25% 30% 40% 50% तक का भी खेतों में नुकसान हो चुका है। बाकी भगवान के नाम की जगह किसकी चलती है, आज की बारिश आ गई इससे और ज़्यादा नुकसान बढ़ेगा। देखो जी हाँ बात तो ठीक है, किसान का तो बेचारा 6-6 महीने से भी पैदा करता है। हमारा देश तो एक ऐसी कृषि प्रधान देश है, सारा डिपेंड इकोनॉमी सारी किसान के ऊपर डिपेंड होती है। क्या कर पर राम जी भगवान जाके किसकी चलती है, बारिश में भी इस पर बहुत ज़्यादा नुकसान किसान को झेलना पड़ता है। हाँ इसमें सरकार को सोचना चाहिए जहाँ मंडी और शेड के और नेसेसरी है वहाँ उनको मतलब और इसको बनाने चाहिए, किसानों के हित के लिए काम करना चाहिए। और अच्छी बात है तो किसानों का मतलब पर पूर्ण सुरक्षित होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। उसमें मीर वाले का नुकसान नहीं होगा, किसान का नुकसान नहीं होगा, आड़ते को क्या परेशानी झेलनी पड़ेगी। हालांकि आड़तियों ने प्रबंध किया हुआ है, तिरपाल का शेड का कवर का अपने पास रखते हैं, क्रिएट कर रखते हैं, परंतु इतनी बड़ी मात्रा में जो आता है उसको खाद कहाँ तक कवर कर पाएंगे। लखनपाल नाम है, गांव मोहला से आया हूँ मैं, तहसील बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद से। उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बारिश से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है किसानों का जी। कर्ज तो भीगा हुआ धान खेत में ही गल जाता है और उसको जरूर कंट्रोल चल जाते हैं। इतनी बड़ी पौध खड़ी है और फिर मंडी में आते मंडी में दिक्कत होती है, जो शेड में होता है 3 शेड में वो सुरक्षित रहता है जी, और जो बाहर होता है उस वो बारिश से भीग जाता खराब हो जाता है, उसका भाव नहीं मिल पाता है, उसे कोई खरीदता नहीं है। और जो उचित रेट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा किसानों को, किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं 1509 धान लाया हूँ और हाँ धानों में थोड़ी बहुत नमी है जी, ज़्यादातर सूखा है, खेत में बहुत ज़्यादा खराब आपका खराबा बहुत हुआ है, किसानों को बहुत बुरी मार पड़ी है।